वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास है Apache RTR 310। आज इस बाइक की सारे डिटेल्स रिव्यू करेंगे पर ऑन रोड। लास्ट वीडियो में मैं शोरूम के अंदर ही सारे डिटेल्स बताए थे, ऑन रोड प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल्स में बताए थे। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से Apache RR 310 के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज इस राइड को शुरू करते हैं और बताते हैं इस बाइक में नया क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट राइड करते वक्त कैसे लगेगा जब आप इस बाइक को लेके ऑन रोड राइड करोगे। तो इनिशियल शॉटल काफी बढ़िया है, ऐसे ट्रैफिक में काटने के लिए भी काफी अच्छा है। वाह भाई साहब, सेकेंड गियर में एकदम पूरा उड़ रहा है बाइक। ये देखिए काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स होना भी चाहिए। 35 PS का पावर इस बाइक में है जो काफ़ी बढ़िया है। तो उसी हिसाब से जो किक है काफ़ी बढ़िया किक है। रेगुलरली कोई 100 से ऊपर चलाएंगे नहीं, जो नॉर्मल रोड एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैं डाल दिया थर्ड गियर एक्चुअली। देखिए भाई साहब काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है इसका। तो जो RR 310 है उससे काफ़ी बढ़िया थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इस बाइक की और होना भी चाहिए। 1.5 BHP पावर इसमें ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में RR 310 के साथ इसका कंपैरिजन ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज स्पेशली इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम लोग जा रहे हैं 5th गियर में और देखिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी इसमें दिया हुआ है क्योंकि अभी स्पीड थोड़ा सा स्लो है। तो उस हिसाब से गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो भाई को भी बाइक पसंद है और पसंद होना भी चाहिए। देखिए नेकेड वर्सन में काफ़ी स्मार्ट लुक इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए अभी इस बाइक को थोड़ा सा रोक के थोड़ा सा नॉर्मल वॉक अराउंड कर देते हैं, फिर इसका सेकेंड ट्रिप में बाकी का जो फीचर्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या क्या खासियत इस बाइक में देखने को मिल जाती है, ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है, इस बाइक की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। छोटा सा करके बता देते हैं, वैसे इसको इसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे इसका फुल डिटेल्स रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो छोटा सा करके इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो देखिए ये जो बाइक है ये 35 PS की पावर इस बाइक में है। 28.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट भर के दिया हुआ है, मतलब एक रेसिंग बाइक के हिसाब से पूरा फुल्ली लोड बाइक आप कह सकते हो। तो देखिए ये एग्जॉस्ट जो है ये कॉमन है, बाकी ये नेकेड एक बाइक है जो पहले RR 310 देखे थे उसमें पूरा फुल्ली फेयर था, पर ये नेकेड कैटेगरी का बाइक है। यहाँ पे देखिए TVS रेसिंग, यहाँ पे RT स्लीपर क्लच, ऐसे काफ़ी सारे इसमें क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट से देखिए काफ़ी एग्रेसिव लुक है और ये टेस्ट राइड व्हीकल है। यहाँ पे आपको RTR 310 का बैजिंग और ये जो टायर ग्रिप देखिए काफ़ी प्रीमियम टायर इसमें दी गई है, इसमें आपको मिशलिन का टायर देखने को मिलता है और डुअल चैनल ABS के साथ बाइबेरी का ब्रेक कैलिपर। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि जब ऐसे पावरफुल बाइक चला रहे हो तो मेक श्योर आपका ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट, तो मीटर कंसोल आपको दिखा रहे हैं और लेफ्ट प्रोफाइल से देखिए यहाँ पे बाइक पूरा नेकेड बाइक है और यहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम। तो जो लोग नेकेड बाइक पसंद करते, स्मार्ट लुकिंग बाइक पसंद करते उसके लिए फेवरेट होने वाला है। और जो डिज़ाइन देखिए ऊपर का काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 11 लीटर का फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब व्हील देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर भी काफ़ी चौड़ी है, जैसे आपको बोला था डुअल चैनल ABS आपको बाइक मिल जाती है। तो चलिए बाइक की मीटर एक बार आपको दिखा देते हैं। तो बाइक को कर दिया ऑन, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत एक मीटर कंसोल आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे इंडिकेटर्स दोनों साइड में, यहाँ पे ABS का और सारे डिटेल्स जैसे नॉर्मल बाइक्स में होते हैं पूरे चारों तरफ। पर जो स्क्रीन है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्क्रीन है, जैसे RR 310 में हम लोग वर्टिकली देखते थे, इसमें हॉरिजॉन्टल एक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है TFT डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मोड बटन है, एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अभी R1 मोड सिलेक्टेड है, यहाँ पे काफ़ी सारे मोड है, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक और 5 अलग अलग मोड आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक बाइक की और एक फीचर है जो क्लाइमेट कंट्रोल सीट है, यहाँ पे आप सीट का जो टेम्परेचर वो कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि इस बाइक में नहीं है, टॉप मॉडल में वो फैसिलिटी आपको दिख जाती है, जो काफ़ी यूनिक एक फीचर आपको इस बाइक में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए साथ साथ जब बाइक आ ही गया हाथ में तो इसको टेस्ट ड्राइव लेंगे और इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है आपके साथ शेयर करेंगे।
तो चलिए चलते चलते बता देते हैं। सबसे पहले जो सीटिंग पोस्चर है काफ़ी एग्रेसिव है, थोड़ा सा लीन होके आपको चलाना पड़ेगा, और जो ब्रेक है ब्रेक थोड़ा सा डाउन की तरफ वैसे मुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पोर्टी जो लुक है, मतलब स्पोर्टी जो स्टाइल है, वो स्टाइल आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। और लुकिंग ग्लास देखिए वही RR 310 जैसा लुकिंग ग्लास है, पर हैंडल थोड़ा सा वाइड है, जो आपको काफ़ी अच्छा मतलब लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। तो यहाँ से जब आप साइड इंडिकेटर करोगे ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ पे ऐसे रोड पे ब्रेक्स अच्छा होना चाहिए। चलिए ब्रेक टेस्ट एक बार कर देते हैं। तो अभी हम लोग फोर्थ गियर में हैं पर स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है, एक बार ब्रेक टेस्ट करते हैं। देखिए काफ़ी बढ़िया ब्रेक है, 50 से एकदम 10 तक आ गया गाड़ी। तो देखिए जो ब्रेकिंग है इस बाइक की काफ़ी तगड़ा है, और आपको फील होगा ABS का, डुअल चैनल ABS इस बाइक में दी गई है, तो काफ़ी बढ़िया मतलब ब्रेकिंग सिस्टम आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, जो इंडियन रोड के लिए स्पेशली बहुत ही मतलब ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे, इसका सस्पेंशन देखेंगे। तो देखिए सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया लगा, इसमें USD सस्पेंशन दी गई है, जो देखिए ऐसे रोड में भी आपको बहुत मतलब कंफर्टेबली आप राइड कर सकते हो। लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो तो सस्पेंशन आपको काफ़ी कंफर्टेबल एक राइड प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है। और अभी के हर बाइक में तो USD सस्पेंशन देखने को मिल ही जाता है, पर इसका सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा मतलब बेटर लगा। तो अभी देखिए भाई साहब हम लोग जंगल की तरफ आ गए हैं एकदम, और यहाँ पे इसका जो स्किन का ग्लो है देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ गियर के ऊपर मैं चला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ गियर के लिए आपको खाली रोड चाहिए, नहीं तो ये बाइक भगाने का जो असली मज़ा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये अभी फर्स्ट गियर में है भाई साहब, फर्स्ट गियर में तो गाड़ी पूरा। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो RR 310 में नहीं था, इसमें काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल है, कॉर्नरिंग ABS है, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल है, और ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये तो है ही, क्विक शिफ्टर तो है ही। तो ऐसा अगर कोई हाई पावर्ड इंजन की बाइक चला रहे हो जिसमें आपको 30 से ज़्यादा PS का पावर देखने को मिलता है, तो उसमें आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा पावर मतलब बहुत ज़्यादा गियर आप चेंज नहीं कर पाओगे, सेकेंड या थर्ड गियर में आपको चलाना पड़ेगा, जो आपको माइलेज थोड़ा सा कम देने वाली, क्योंकि इस बाइक से आप बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे नॉर्मली 30 किलोमीटर पर लीटर तक मतलब आप कह सकते हो, पर 25 से 30 मेरे हिसाब से ये बाइक आपको माइलेज निकल के दे सकती है। तो चलिए अभी राइड को करते हैं ख़त्म। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, ट्रैक के लिए ये बाइक काफ़ी बढ़िया है, पर अगर ट्रैफिक में चलाओगे थोड़ा सा संभाल के आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही हाई पिकअप वाला बाइक है ये, जैसे इनिशियल थ्रॉटल फर्स्ट गियर में जैसे गाड़ी ऐसे उछल रहा था। तो मेरा राइडिंग ब्लॉग्स तो आता रहेगा, फर्स्ट टाइम ये बाइक राइड किया काफ़ी बढ़िया रहा। तो चलिए अभी पता कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या चल रही है, और कहाँ से आपको ये बाइक मतलब कौन कौन सी कलर है, कहाँ से आपको ये बाइक मिल जाएगी। तो आज Apache RR 310 का सारे डिटेल्स रिव्यू आपको दिया। सबसे पहले बता दें देखिए राइडिंग जो पोस्टर है काफ़ी कंफर्टेबल लगा, हैंडल बार काफ़ी वाइड है, इनिशियल जो थ्रॉटल है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी किक आपको इस बाइक से डेफिनेटली मिलेगी। आप कैसे भी रोड हो आप आराम से इसको चला सकते हो, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 3,17,000 टू 3,40,000 के पास। बाकी ऑन रोड प्राइस और फिनेंस डिटेल्स के लिए आप शोरूम में आइए, अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी में अरिसा मोटर्स में, आपको सारे वैरायटीज़ सारे कलर्स मिल जाएगी, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे लेटेस्ट रिव्यू और लेटेस्ट बाइक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।